लॉस में रख दी। क्या हुआ है? कैब उतार के मेरी पहन ली है। बच्चा मिला, ये बच्चा सारी अपनी हिस्ट्री करके बता रहा है। ये देखो सब पोलने खुलवा रही है। बहुत ठंडा है। मिस्त्री ने चुना निकलो लोरियो। ये यार यहाँ बाजार में काफी कुछ है। ऐसा करे भाई से ना, ये पूरा दे दे बॉक्स। दिखाते आपको है कतरीना और बेचते आपको सकीना। फातिमा ने आपको डराने जा रहे हैं। Welcome to Astrology. This is Meg Rocco. Welcome to another vlog. उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन बड़ा अच्छा जा रहा होगा और मेरे व्लॉग से और अच्छा होने वाला है। लेकिन मेरा दिन आप और अच्छा कर सकते हो कैसे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके और बेल आइकन को दबा के। और आज हम फन गेम्स भी खेलने वाले हैं। और भी मैं होती हूँ तैयार। पहले मैं देख लूँ कि नाश्ता आ गया है या नहीं आया। कचरा, ये चीजें, सूटकेसेस खोल के, ये क्योंकि मैं गंदी हूँ, मैं ऐसे रहना पसंद करती हूँ। नाश्ता मेरा ख्याल से आ चुका है। चीज ऑमलेट है, ये पाकिस्तानी ऑमलेट है, ये पुरानी कल रात वाली कढ़ाई है। तो ये हमारा नाश्ता आ चुका है और नाश्ता हमारा होगा इस व्यू के साथ। लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था और यहाँ मैं आपको सबकी तैयारियां तो मैं करते हुए नहीं दिखा सकी क्योंकि इतनी सर्दी लग रही थी। सबसे पहले मुझे बताया कि मैं कैसा तैयार हुई अपनी तरफ से, तो मैं बहुत अच्छा तैयार हुई। ये देखें जी, यहाँ अब इनका शूट वूट चल रहा है। क्या हुआ है? मेरी पहन ली है। कोच भी करेंगी। और इसके यहाँ पे मैं डालती हूँ बर्फ। मानो बर्फ, मानो बर्फ अंदर चली गई। लगी है कोई नहीं, डाली है ना नोटम की एक्टर कहेंगी गाइस। अब हम लोग ना अपने विला से बिल्कुल ऑपोजिट आए। पहले हम वहाँ पे अपना फोटो शूट करा रहे थे, आगे एक और जगह वहाँ जाने। तो हमको नजर आया यहाँ पे स्नोमैन और यहाँ पे अब होगा हमारा स्नोमैन के साथ फोटो शूट। गर्ल्स मेरी भी अभी पिक्चर बनानी है। ये है आप ही की क्यूट से लुक। बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं, बहुत फ्रीज हो गए और ऐसा लग रहा है स्किन फट रही है ऊपर से, ड्राई हो रही है। हम एक और जगह पे आ गया जहाँ पे हम लोगों को फाइनली आग मिल गई है और मैं अपने हाथ जो है ना वो फुल तरह से गर्म। आपसे ज्यादा मेरे हाथ बूढ़े होते जा रहे हैं। बूढ़े, तुम बचपन में बूढ़ी हो गई हो। ये देखो जरा, ये एक छोटी सी, हाँ ये जैनब टूर करवाएगी गाइस। ये इतनी कोई छोटी सी पतली सी बारीक सी राहगीरी है, जिस आती जाऊँ पता लगे मैं गिर जाऊँ। नहीं भाई सारी चीजें नहीं गिरती, तुम पंगे नहीं लेने। देखें इसका डाउन, यहाँ से लोकेशन मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर है जी। ये कितना प्यारा, और ये सबसे मजे की चीज है परिंदों के लिए खाने का सामान रख के लगाया हुआ है। क्यों क्या फन करते हैं क्या? अच्छा, पिक्चर्स तुम्हें सबसे ज्यादा अपनी पिक्चर अच्छी आ गई है। अपनी मैं लेती हूं, फन करते ये देखें, जिधर लोकेशन देखती है कैमरा ऑन करो, पिक्चर 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 पिक्चर। अब ये लोग यहाँ पे बैठ चुकी हैं और इसके देखें यार किसी ने मम्मा ने दिया उसको चलो तुम जाके। हाँ जी चाय पीनी है, चाय गर्मा गर्म चाय, इस मौसम में गर्मा गर्म चाय तो क्या ही मजा। मैं कहती हूँ ये रिजॉर्ट इतना अच्छा है कि यहाँ पे हम पहले सोच रहे थे हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन इधर एवरीथिंग है। मतलब आपके पास पिकनिक स्पॉट है, आप घूम फिर सकते हो, यहाँ पे झूले भी हैं और वो रेस्टोरेंट भी है। वेरी गुड यार। ओ चाय आ चुकी है, तो ये चाय पी रही हूँ। ये नकली 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 चाय, अभी सिर्फ कप आए, अभी चाय नहीं आई है। मुझे लगा चाय आ गई, मैं चाय वाली शक्ल बना के बैठी थी। जी यहाँ आग अब लग चुकी है और सब जो है वो एकदम इकट्ठे हो गए। फोटो शूट कंप्लीट होने के बाद इनका यही होता है कि बस अब आग आग आग, अब चाय वहां से उठा दी, उठा के यहाँ मंगवाएंगे, हाथ थोड़े गर्म करेंगे, टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल करेंगे। यहाँ हमें बच्चा मिला, ये बच्चा सारी अपनी हिस्ट्री करके बता रहा है। ये देखो सब पोलें खुलवा रही है, पागल आके देखो कितने पास रखे हुए। मैं आपको क्या ही बताऊँ, सुन लिया मम्मी? ये देखो जरा, हाँ नहीं इसका पाँव गाइस बहुत बड़ा है। ये इसका नाम है बड़े पाँव वाली। बड़ी चीजें एक्सप्लोर करने को यहाँ पे। और अभी हम लोगों ने नथियागली बाजार भी विजिट करना है शॉपिंग वॉपिंग के लिए। तो फिलहाल चलते हैं। So guys, हम लोग कमरे में आ चुके थे और मैंने अपना गेटअप चेंज कर लिया क्योंकि अभी हमने जाना है नथिया गली। थोड़ा सा हम लोग हीटर के पास आके बैठे थे, थोड़ी गप्पे शप्पे लगाई थी, व्लॉग हमने बंद कर दिया था। अब देखे मैं पूरा टेडी बियर बन के आ गई अपनी तरफ से। लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ जो कह रहे थे कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही है, आप अभी कंटेंट पे एक्टिव नहीं हो, तो मेरी लाइन है सर। ओके फातिमा की तरफ से लाइन आ रही है। जिंदगी से फेक काम करे आनी मैं, मुरे होवे कोई कदे डरे आनी मैं, लोकी लाइफ च यकीन रखदा, चुप सी जरूर पर मरे आनी मैं। मैं अब से बनाऊंगी। Hey!
सारी नहीं देख रही ये सब लोग जो है वो रवाना होने लगे हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ बाकी कुछ अफराद का। लेट्स गो। ये देखें बहुत ठंडा है मिस्त्री मेरा चूना निकलो लोरियो हमारे डॉक्टर अंकल आगे में लेने के लिए। कहाँ लेके जा रहे हैं? इस्लामाबाद नथिया गली की बाजार में। तो गाइस वो देखें डॉक्टर अंकल बस लेके आ रहे हैं। मैं तो नहीं बस में बैठ रही क्योंकि रोड बड़ी खतरनाक है और मैं चलते 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 पहुंचू क्योंकि मोड़ बड़ा खतरनाक है यहाँ का। गाइस मैंने कहा मैं आपको जरा बाहर का नजारा दिखाऊं। बस देखते क्या आप थक गए होंगे। उफ अल्लाह मियां ये देखें ये बड़ा मोड़ खतरनाक था और साथ बिल्कुल इसके खाई है। ये देखें हम लोग नथिया गली बाजार पहुंच चुके हैं। सब वन बाय वन करके उतरेंगे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे लॉन्ग 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 कोट्स दिख रहे हैं। वो देखें जरा ये पता नहीं कॉल सुनती सुनती किधर चली गई है। एक एक करके सब निकलते जाओ। चलो राबिया होगी तुम्हारी प्लानिंग तो कुछ शॉपिंग वॉपिंग करो। फाइनली वी आर हियर। मम्मा को तो मम्मा के मुताबिक की चीज़ मिल गई है यार। यहाँ बाजार में काफी कुछ है। ये देखो जी ज्वेलरी शूलरी सेलों पे लगी हुई चीजें। वो देखे लकड़ी के बने हुए काम की और वो शॉल्स है। मुझे एक चीज पसंद आई है देख लो। यहाँ ये सारी हाथ की बनी हुई चीजें हैं। ये सारा हाथ की बनी हुई ये सारी ना हाँ ऊपर लगे हुए छोटी छोटी कोटियाँ लगी हुई है। और ये देखो भाई ये देखो ये पठानी गेटअप है। वेरी वेरी कल्चरल वेरी वेरी क्यूट है। मेरे लिए जिंदगी का मकसद भी क्यूट है। वो देखे वो ये क्या ये चपड़ासी कैप नहीं चित्राली। अच्छा चित्राल चित्राल बेसिकली फेमस है इस तरह की। मुझे लगा ऊपर अच्छा वो ली करके लिखा था ना इसलिए नहीं वो चित्राल चित्राल। अच्छा ये चित्राल के लोग पहनते हैं ठीक है। ये जो है ये कौन सी है जो मैंने पहनी? कश्मीरी कश्मीरी है। अब मैं कश्मीरी लग रही हूँ ना। थैंक यू। चलो फातिमा ने राबिया को डराने जा रहे हैं। अब फातिमा के हाथ में लगा है चूहा और फातिमा जो है ना वो जा रही है राबिया को डराने के लिए। लेट्स सी अब ये ज्वेलरी देख रही है वो अपनी ठीक है। देखो किधर गई बहन? बहन तुम डर गई हो? ये जिनके स्टोन्स नहीं ना निकले हुए हम लोग यहाँ पे ज्वेलरी लेने के लिए खड़े हुए। खबरदार मम्मा यार ये ज्वेलरी नहीं मिलती लाहौर से। मम्मा ये ले ले नहीं मिलती सीरियसली ये नहीं मिलती ले नहीं मिलती। आप ही हूप्स भी ले सकते हैं। हाँ प्यारे हूप्स हैं देखो यार। सिल्वर ये वाला लो तो सब डिफरेंट लो। नहीं मुझे सबसे प्यारे ये वाले लगे। के लिए मैं इतना तरसी में बता नहीं सकती। किन के लिए तरसी हो? इन ज्योमेट्रीज के लिए। आपको नहीं पता मैं मार्केट के चक्कर लगाती हूं यार। ये होते थे स्केल से खुलते थे। हाँ ये ज्योमेट्री अपना 300 रुपया लेती थी। फिर देख अंदर बच्चा भी होता था इनके छोटा ज्योमेट्री। नहीं मेरे पास एक होती थी वो स्टैंड वाली ज्योमेट्री होती थी क्रिक 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 वो मेरे पास होती थी। बहुत बड़ी लॉक लगता था। मैं अपने चश्मे ट्राई करने लगी हूँ रेड पे रेड। 200 रुपया दो वो कह रहे हैं 50 रुपए पर सेल्फी। लास्ट वाले बहुत अच्छे हैं। मैं अपने करेक्टर के लिए ले सकती हूँ उठाना। कौन सी ये? येलो और रेड दोनों उठा। हाँ तो मेले वाली है मैंने एमरल्ड पहना हुआ है ले लो। लेकिन मुझे वो चाहिए पर्पल कलर का। रियल है आपको पता ना मुझे पत्थरों का बहुत शौक है। ये सारा ऐसा करे भाई से ना ये पूरा ये दे दे बॉक्स। पत्थरों का कसम से बहुत शौक है। व्हाइट कलर का बहुत प्यारा है। मेरे पास व्हाइट स्टोन नहीं है ये वाला। ये देखिए मुझे मूनलाइट लग रहा है। मुझे ना व्हाइट की एक की परमिशन दे रही हूँ बस। वैसे मजे की बात है जो ख्वाहिशात होती है ना मंगाओ के पैसे से पूरी होती है। अपने पैसे अपने वजह से जरूर खर्चे पूरे होते हैं। क्या बात कह रही है। ये मुझे एक स्टोन मिला है अभी देखे। अभी लाइट बंद होगी। ओए अल्लाह कितना प्यारा है। वाह वाह मैंने ये ले लिया। राबिया मेरे से जल रही फुल। मम्मा ने पापा के लिए शॉल ली है गिफ्ट में ठीक है। मम्मा पापा को इतना मिस कर रही है। तो जब आप नॉर्दर्न साइड पे आते हैं साइड पे आते हैं केपीके में आते हैं तो यहाँ पे लोग आपसे झूठ नहीं बोलते हैं। ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि आप कई जगहों पे जाते हैं वो आपको बेचते कुछ है और दिखाते कुछ है और होता वो आके घर पे कुछ है। मैं बताता हूँ दिखाते आपको है कतरीना और बेचते आपको सकीना। आप हमारी सकीना को कैसे कुछ कैसे ये देखे जी यहाँ पे आग सेकी जा रही है। कल क्या कहा था ये बहुत बातूनी है इसका नजर उतारे। ओ माय गॉड चलो आग में तो नजर करते हैं। आप तो अल्लाह ने मुझे कार टीका लगा के भेजा है मेरा नेचुरल मोल कि मुझे नजर ना लगे। मेरे मुंह पे भी लगे हुए दो चार मोल। तो मैं ज्यादा शौकी नहीं हो रही। मैं मजाक से कह रही हूँ बुरा ना। जी राबिया शौकी नहीं होती। राबिया नेचुरली ऐसी पैदा हुई है ठीक है। तो राबिया की बातों का बिल्कुल माइंड नहीं करना।
अब चलते हैं कुछ खाते क्योंकि बड़ी भूख लग रही है यार। ये सिर्फ जगह का ही मेरा ख्याल से, यहाँ हम खाना खाने जा रहे हैं और हम यहाँ नीचे उतर रहे हैं यहाँ से। हम लोग गलती से घुस गए थे रिसेप्शन में, उन्होंने कहा बाजी आप पागल हो, ऊपर जाए तंदूरी चिकन खाएं, आप क्या फजूल में इधर घुस आई हैं। मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं खाने फोन में भी कैमरा पे ना वो खाने की वीडियो देख रही हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये देखें यहाँ पे ये सब भी बैठ चुकी है और पानी पानी आ चुका है। ये देखें जी ये खाना जो है वो हमारा जो है मखनी हांडी फलानी हांडी ढमकानी हांडी सारा खा जाऊंगी मैं डाइटिंग पे ना। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, तुम्हारा डाइटिंग के बाद ये खाना सही। मैंने ना तवा चिकन मंगवाया था, लाहौर में तो किसी और तरह का तवा चिकन मिलता है, ये कैसा है? मेरे तवा चिकन की एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी और रियलिटी कुछ और है। सो गाइस, हम लोगों ने खाना सारा खा लिया था और रेस लगाते हैं, मैं और रबिया आए हैं और मैं जीत गई और रबिया हार गई और अब हम ये खाना हजम करने के लिए कर रहे हैं। बड़ा मजा आता है, बहुत सेटिस्फाइंग है। ये देखो अब तुम्हें क्या हुआ है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है अंकल से का हीटर चला दें काइंडली। हम जा रहे हैं कॉफी शॉपी पीने, मेन्यू में देखते हैं कि कौन सी वाली कॉफी शॉपी ज्यादा अच्छी है। वैसे ये वाला कौन सा है गाइस? तो जी हम लोगों ने चाय शाय पी ली, कॉफी शॉपी पी ली, एंजॉय कर लिया, अब हम जा रहे हैं वापस अपने विला। फाइनली इतना खौफनाक सफर तय करके हम लोग आ गए ऐसे ऐसे रोड पे, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे लगी थी खाना खा के। हाँ सो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए और अभी साहब के आगे बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम अपने हाथ गर्म करने वाले हैं। सो बाहर मूवी चल रही है और मेरा जो है ना वो सोने का टाइम हो गया, मुझे लग रहा है सुबह हम लोगों ने निकलना है लाहौर के लिए। तो इंशाल्लाह गाइस आप लोगों से कल मुलाकात होगी, कल लाहौर के लिए निकलना है। लाहौर में सुना है बहुत ही ज्यादा फोग हो रही है, यानी कि रास्ते बहुत खटन है और हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले हैं। आप लोग सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि हम खैर खैरियत से लाहौर पहुँच जाए, क्योंकि डैडी के भी कॉल आई है निसर दैन कि बिल्कुल लाहौर में कुछ नजर नहीं आ रहा। सो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके यार, तो मैं इधर व्लॉग बनाई थी लेकिन पता चला कि मैम इकरा उठ चुकी हैं। यस मैम इकरा उठ चुकी हैं। यस मैं इनके शोर उठो और पैकिंग करो, जान छुड़ा रही थी और पैकिंग नहीं ना कर रही थी, बड़ी चला गाइस। मैंने ना अपनी पैकिंग खुद कर ली हुई है, ठीक है। हाँ इन लड़कियों ने ये देखे इतना गन डाला है, ऊपर से मूवी देख रही थी, कर रही थी मैं, शोर से उठ के आ गई हूँ, मैं गिरी हूँ, मेरे घुटने पे चोट लगी। अच्छा तो और कितना गिरना, क्योंकि रात के इस वक्त 3 बज रहे। पापा ने मुझे बोला था कि फ्रीजर में रख 2 कोक, तो मैंने कहा अच्छा कोक ठंडी करने के लिए कहाँ रखी है इस लड़की ने। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, बर्फ में रख दी और उसकी कुल्फी जम गई यार, कोक की भी कुल्फी जमा दी यार। शेर देख लो भी ज़ैनब कितने, बस 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतनी बर्फ बनी। अब तो घर जाके कह रहे मैं बीमार हो गई, मेरा गला। मम्मा की तो फेवरेट है, मम्मा को ऐसी चीजें बहुत पसंद है। फातिमा को तो देखो कीन बीन बन के घूम, तुम कहाँ जा रही हो? दफा हो जाओ, कूड़ा नहीं है वो, चेरी ब्लॉसम, ये गूरा है, ये प्यारा फ्लावर को बाहर निकाल, ये गूरा ये प्यारा, बाहर चले जाओ।